ये स्टूडेंट वेलकम वंस अगेन। बच्चों इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का जो मेन क्वेश्चन आप एक तरह से कह सकते हो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है इसे समझेंगे, क्योंकि देखो जो अभी तक हमने पढ़ा है चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी में उसमें जो आउटकम्स आ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बस हमने यही देखा था। अब उसके आने के चांसेस कितने हैं मैथ की लैंग्वेज में हम वो पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, जो कि मेन है इस चैप्टर का, ठीक है, इस एक्सरसाइज का। तो हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ बनाए उनका लिंक और जो मैं आगे के क्वेश्चन के वीडियोज़ बनाऊंगा उन सभी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब आइए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसे रीड करते हैं। तो क्या बोला जा रहा है हमको, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1 का ए। यानी कि यहां पर हमसे ये बोला जा रहा है कि ये जो हमारा पॉइंटर था, है ना, हमने क्वेश्चन नंबर ए में क्या पढ़ा था, यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन नंबर ए में हमसे ये पूछा गया था कि जो आउटकम्स आ सकते हैं आपको केवल वो बताना है। तो यहाँ पर आउटकम्स कौन कौन से आ सकते थे, ए आ सकता था, या तो बी आता, या तो सी आता, या तो डी आता। लेकिन अब यहाँ पर हमसे क्या बोला जा रहा है ना कि आप अब ये बताइए कि जो यहाँ पर पॉइंटर है, ये वाला जो है ना, इसको पॉइंटर कह रहे हैं, तो ये जो पॉइंटर है इसका डी में आने का, है ना, यहाँ पर जो डी है इसमें आने के कितने चांसेस हैं। देखो टोटल यहाँ पर कितने नंबर्स हैं, है ना, टोटल यहाँ पर कितने हैं ये देखना है आपको पहले। तो 1, 2, 3, 4 और 5, टोटल यहाँ पर 5 हैं। ए जो है डबल को यूज किया गया है, तो टोटल वहां पर 5 चीजें दी गई हैं, उसमें से डी कितना है, तो डी केवल 1 है, समझा ना, एक ही पीस है डी यहां पर। तो अगर डी को हमको लाना है तो मैथ की लैंग्वेज इसका जो चांस होगा वो कितना होगा पता है, 1/5 होगा, यानी कि 5 बार में से एक बार हमारा डी आ सकता है। अगर हमको बोला जाता कि ए आने का आप चांस बताइए पॉइंटर में, ए कब कितने बार आ सकता है, तो ए हमारा 5 बार में से, नीचे में 5 लिखते 5 लिखते और ऊपर में 2 लिखते, यानी कि 5 में से 2 टाइम्स जो है हमारा ना वो ए आ सकता है, क्योंकि यहां पर ए जो है वो डबल है, समझा रहा बात ना। तो टोटल कितने आउटकम्स हो सकते हैं और उसमें से जिसके बारे में हमको पूछा जा रहा है वो कितना है, है ना, वो हमको देखना है यहाँ पर। तो टोटल जितने भी हैं उनको आपको नीचे लिखना है, और जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसके आने के चांस कितने हैं, तो वो कितने पीस है, 1 है, तो ऊपर में 1 लिख दो। अगर वो डी मान लो यहाँ पर 2 रहता, 2 पीस डी दिए रहते, है ना, 2 टाइम्स डी दिया रहता, तो हम लोग क्या करते हैं ऊपर में 2 लिखते, इज दैट क्लियर। तो अगर इसको लिखना कैसे है ना स्टेटमेंट के टर्म पर वो मैं आपको समझा देता हूँ छोटा सा। तो देखो यहाँ पर आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा इंग्लिश नहीं लिखना है, सिंपल सी स्टेटमेंट यहाँ पर उतार देना है मेरा जो मैंने आपको बताया ना उसी तरीके से, बाकी आप स्टेटमेंट अपने से ही बना सकते हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टेटमेंट कभी भी रटना नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स है पहले तो आपको इतना बताना ही पड़ेगा। तो अब मैंने लिख दिया सिंपल लैंग्वेज में द पॉसिबल आउटकम्स आर, है ना, जो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास वो कौन कौन से आ सकते हैं, तो ए 2 टाइम्स आ सकता है ना, या तो बी आ सकता है, या सी आ सकता है, या फिर डी आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है ना, चांसेस जो हैं कि हमारा जो पॉइंटर है वो डी में रुक सके, तो वो कितने चांसेस हैं, तो देखो टोटल हमारे पास कितना है यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, तो फ्रैक्शन की साइन बनाओ, नीचे में लिखो 5, उसमें से डी कितने टाइम आ सकता है, तो डी केवल एक ही है यहाँ पर, तो डी है जो वो 1 टाइम आ सकता है, यानी कि अगर आप 5 बार उस स्पिन करो उस व्हील को तो उसमें से आपके चांस यही है कि एक बार आपका डी आ सकता है। लेकिन इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ये नहीं कि आपका कन्फर्म आ ही जाएगा, ठीक है, बस मैथ की लैंग्वेज में उसको हम लोग बोलते हैं कि ये चांस है। तो जैसे कि हमसे ये पूछा जाए कि ए आने का ज़्यादा चांस है या डी आने का ज़्यादा चांस है, तो इसको आप आराम से बता सकते हो कि जो ए है वो डबल है, तो ए आने का चांस कितना होगा, 2/5 होगा। ये पूछा नहीं गया है क्वेश्चन में, बस मैं आपको समझा दे रहा हूं, तो ए जो है वो 2/5 है, यानी कि 5 टाइम अगर घुमाओगे तो उसमें से 2 टाइम्स ए आ सकता है, तो ए के आने के चांसेस ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जबकि जो डी है उसके आने के चांसेस क्या है, कम है। तो बस इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहां नहीं बताना है, सिंपल आपको बता देना है कि जो डी है उसके जो पॉइंटर का स्टॉप होने का चांस कितना है, तो 1/5 है, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हो चांस भी, लेकिन यहां पर हम लोग प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, उसे रीड करते हैं और उसे समझते हैं कैसे बनाना है। तो देखो क्वेश्चन में बी में क्या बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग 52 प्लेइंग कार्ड्स। यानी क्या बोला जा रहा है, अगर हमारे पास कार्ड्स ऐसे कार्ड्स खेलते हैं ना ताश वगैरह, तो उसमें 52 कार्ड्स है टोटल, ठीक है, तो उसको एकदम अच्छे से एकदम शफल कर लिया गया है, मिला लिया गया अच्छे से पूरे कार्ड्स को, तो उसमें से आप ये बताइए कि एस आने का जो प्रोबेबिलिटी है चांस है वो क्या है, ठीक है। तो एस किसको बोलते हैं, एक हमारा इक्का टाइप से कुछ होता है, देखो वैसे तो मैं कार्ड्स वगैरह खेलता नहीं, बस आपको समझाने के लिए इतना बता दे रहा हूँ कि टोटल यहाँ पर हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, जो कार्ड्स होते हैं ना, कार्ड्स का बंडल डेक जिसको हम बोलते हैं, वही डेक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी कि कार्ड्स का एक बंडल, तो उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, और उसको हम अच्छे से मिला लिया जाए तो हमसे ये बोला जा रहा है कि एस आने के कितने चांस हैं। तो देखो जो उसमें 52 में से एस कितना होता है पता है आपको, टोटल वहाँ पर 4 एस होते हैं, ठीक है, एस यानी कि एक होता है इक्का हमारा ताश खेलने वाले में को पता होगा, ठीक है, तो उसमें 4 एस होते हैं टोटल, तो यहाँ पर 52 में से हमारे जो 4 टाइम्स है ना वो क्या हो सकता है, एस आ सकता है, तो हमको यही पर इशू को बताना है कि एस आने के कितने चांसेस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आपको पता रहेगा कि एस कितना होता है तभी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पर टोटल 4 एस होते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला तो हमारा डी वाला तो साफ साफ दिख रहा था कितने वहाँ पर डी हैं, एस आपको लेकिन पता नहीं है कि एस क्या होता है, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। अब इसको लिखना कैसा है ये मैं आपको वो समझा देता हूँ।
तो देखो इसमें आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि टोटल कार्ड्स वहाँ पर कितने हैं। तो टोटल कार्ड्स टोटल 52 हैं, ठीक है। अब एज जो होता है एक डेक में, एक कार्ड के बंडल में, वो कितना होता है, तो वो हमारे पास 4 होता है। तो यहाँ पर आप लिख लेना एस इन ए डेक ऑफ कार्ड्स इक्वल टू 4। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी है एक एस आने का वो कितना हो जाएगा, तो देखो 4S, पहले तो नीचे तो टोटल के नंबर आपको लिखना है, तो टोटल वहाँ पर 52 है, तो डिनोमिनेटर में आप 52 लिखो। एस कितने हैं वहाँ पर, 4 है, तो ऊपर में 4 लिखो, यानी कि 52 बार अगर हम देखें ताजे पत्तों को निकालें तो उसमें से हमारे पास 4 टाइम हमारे पास ये चांसेस है मैथ की लैंग्वेज में कि हमारा जो है एस आ सकता है वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों को हमारा कट भी हो रहा है ना, तो हम इसको कट भी कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखो हमारा 4 से टेबल से कट हो रहा है, तो आप डायरेक्ट 4 से भी कट कर सकते हो, या फिर छोटे छोटे नंबर 2-2 से कट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 4 से कट कर दे रहा हूँ। 4 बन जाए, देखो यहाँ पर 4 आ गया, नीचे में हमारे पास 4 के टेबल में 4 बन जाए 4 हो जाएगा, ठीक है। 5 में से 4 कट हुआ, बचा 1, वो आगे जाकर इसको 12 बना देगा, तो 4 3 12, यानी कि डिनोमिनेटर में 13 आ गया। यानी कि हमारे पास उसको हम लोग अगर शॉर्ट टर्म पे बोले 52 टाइम्स अगर नहीं देखते हैं, अगर हम लोग 13 टाइम्स तो 13 टाइम्स में से 1 टाइम क्या हो सकता है, हमारा एस आ सकता है। तो अगर हमारा कट हो रहा होगा ना, तो हम इसको कट भी करेंगे। या तो कट हो नहीं रहा था, ये तो हमारे एकदम लोवेस्ट टर्म में आ गया था, लेकिन यहाँ पर हमारा लोवेस्ट टर्म नहीं था, तो हम उसको क्या करेंगे, लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट भी कर देंगे। यानी कि 4 टाइम आ सकता है 52 में से, तो उसको हम लोग अगर कट करते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि अगर हम लोग 13 टाइम अगर हम लोग कार्ड को निकालते हैं तो उसमें से 1 टाइम हमारा एस आने का चांस है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन जो बी है वो भी कंप्लीट होता है, यहाँ पर भी और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब आइए जो क्वेश्चन नंबर सी है उसे समझते हैं अच्छे से। तो देखो सी नंबर में क्या बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ये रेड एप्पल, यानी कि ये जो हमारा फिगर बना हुआ है इसमें रेड एप्पल आने के चांस कितने हैं। देखो यहाँ पर टोटल कितने एप्पल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 है। G4 यानी कि ग्रीन होगा, है ना, R से यानी कि रेड होगा, तो टोटल एप्पल कितने हैं हमारे पास, 7। तो देखो यहाँ पर आपका रेड आने का चांस कैसे निकलता है, तुरंत भर में टोटल लिख लो आप, टोटल एप्पल्स, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ टोटल एप्पल इस तरीके से लिख सकते हो, ये इक्वल टू 7 कर दो, है ना। वहाँ पर हमारे पास जो रेड एप्पल्स हैं वो कितने हैं, तो रेड एप्पल इक्वल टू 1 2 3 और 4, टोटल वहाँ पर रेड एप्पल कितने हैं, 4 है, तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा, है ना। इसी तरीके से आप यहाँ से यहाँ तक उतार दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल इक्वल करके फिर कितना लिखना, नीचे में 7 लिख देना और ऊपर में 4 लिख देना, यानी कि 7 पीस टोटल एप्पल है, उसमें से अगर 4 रेड हैं, तो हम अगर 7 में से, यहाँ मान लो ये अगर एक थैले में रख दिया जाए और अगर हम हाथ डाल के उसको बिना देखे निकाले ना, तो 7 टाइम में से 4 टाइम चांस है हमारे पास कि हमारा जो रेड एप्पल है वो निकल करके आ जाएगा। समझ में आ रहा बात ना, तो ये स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा उतार के यहाँ पर लिख देना है, इज दैट क्लियर। तो ये हमारा जो क्वेश्चन बस ये वो भी कंप्लीट हो गया, देखिए कितना सिंपल है। तो इसी को हम लोग मैथ की लैंग्वेज में बोलते हैं चांसेस, यानी कि प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, उसे भी हम इसी मेथड से आपको सिंपल तरीके से समझा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।